अस्सलाम वालेकुम। देखो और जानों के साथ मैं हूं आपकी मेजबान रुबाह बशर। नाज़रीन, चीन ने सुपर पावर यानी अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। चीन ने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए एक बड़ा कदम उठा लिया है। अब वो कदम क्या है, इससे अमेरिका पर क्या असर मरतब होंगे, अमेरिका की जानब से कोई जवाब दिया जाएगा या नहीं, इन सब पहलुओं पर बात करने से पहले कुछ नजर माजी के पहलुओं पर भी डाल लेते हैं कि आखिर यह लड़ाई शुरू कैसे हुई। चीन के वजीर इत्तला'आत के तर्जुमान ने अपनी ट्वीट में इंकशाफ किया कि अमेरिका ने एक सोची समझी साजिश के तहत बीमारी को फैलाया, जिसके लिए अमरीकी फौज को चीन के सूबे में भेजा गया। इस पर अमरीकी महकमा खारजा ने अमरीका में तैनात चीनी सफीर को तलब करते हुए सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा था। अमरीका ने चीन पर वजा किया था के फौरी तौर पर इन इल्जामात से सबूत फराहम किए जाएं जो अमरीकी फौज पर लगाए जा रहे हैं, और अगर कोई सबूत फराहम ना किया गया तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। अमरीका का कहना था कि चीन की जानिब से इल्जाम लगाने का मकसद सिर्फ चीन पर होने वाली तनकीद से तवज्जो हटाना है। इस सूरत हाल को देखते हुए अमरीकी वजीर खारजा माइकल पोमियो ने भी चीनी हुकाम से टेलीफोनिक राब्ता किया, जिसमें अमरीकी वजीर खारजा का कहना था कि चीन अमरीका पर इल्जाम लगाना बंद कर दे, क्योंकि ऐसे इल्जाम किसी तौर पर भी काबिले कबूल नहीं जिनका कोई सबूत ना हो। अगर चीन ने इल्जाम लगाना बंद नहीं किया तो नतायज बहुत बुरे होंगे, जिस पर रद्द अमल देते हुए चीनी डिप्लोमेट का कहना था कि अमेरिका ने जो करना है कर ले, चीन अपने मौकफ से पीछे नहीं हटेगा और अमेरिका का चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। जिसके बाद चीनी वजारत खारजा की जानब से ऐलान सामने आया कि वह तमाम अमरीकी सहाफी जो इस वक्त चीन में मौजूद हैं और न्यूयॉर्क टाइम, वॉल स्ट्रीट जर्नल और वॉशिंगटन पोस्ट के लिए काम कर रहे हैं, वो सब के सब आइंदा 10 दिन के अंदर अंदर चीन से निकल जाए। चीनी हुकूमत ने इन अखबारात के अलावा वॉइस ऑफ अमेरिका और टाइम मैगजीन से यह बताने का मुतालबा किया है कि आखिर इनके चीनी ब्यूरो ऑफिस में क्या चल रहा है। इनसे कबल ट्रंप इंतजामिया ने 3 मार्च के रोज अमेरिका में चीन के 5 सरकारी खबरसाज एजेंसियों में काम करने वाले चीनी सहाफियों की मजमूई तादाद 100 तक महदूद करने का ऐलान कर दिया था। हालिया चीनी इकदाम इसका रद्द अमल करार दिया जा रहा है। उन्होंने एक बार फिर अपनी तोपों का रुख चीन की जानब करते हुए ट्वीट कर डाली। अमरीकी सदर ने अपनी ट्वीट में बीमारी को चाइनीज करार देते हुए कहा था कि अमरीका एयरलाइंस की तरह अपनी इन इंडस्ट्रियों के साथ पूरी कुव्वत से तआवुन फराहम कर रहा है जो इनसे मुतासिर हुई। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने अमरीकी सदर की ट्वीट पर रद्द अमल देते हुए कहा कि अमरीका को चीन को बदनाम करने से पहले अपने काम से काम रखना चाहिए। तर्जुमान का कहना था कि हम अमरीका पर जोर देते हैं कि वो अपने इन गलतियों को दुरुस्त करें और चीन के खिलाफ जमीनी हकाय के मुनाफी इल्जाम लगाने से बाज रहे। तर्जुमान ने मजीद कहा कि अमरीकी सदर की जबान नस्ल परस्ताना और दूसरी कौमों से नफरत पर मबनी थी, जिससे इनकी सियासी गैर जिम्मेदारी और नाअहली सामने आई। अब अमरीका और चीन के दरमियान शुरू होने वाली ये नोकझोंक कब खत्म होती है कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको खबर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और खबर की तेज तरीन अपडेट के लिए देखो और जानों के साथ रुबा को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।